उदाहरण चार, किसी वितरण के वर्गांक 104, 114, 124, 134, 144, 154 तथा 164 हैं। वर्ग का आकार तथा वर्ग की सीमा ज्ञात कीजिए। हल, वर्ग का आकार दो समीपवर्ती वर्गांकों का अंतर होता है, इसलिए वर्ग का आकार बराबर 114 ऋण 104 बराबर 10 है। हमें आकार 10 के वर्ग चाहिए जिनके क्रमानुसार वर्ग के मध्य बिंदु 104, 114, 124, 134, 144, 154 तथा 164 है। इसलिए प्रथम वर्ग की निम्न सीमा बराबर कोष्ठक 104 ऋण 10 बटा 2 कोष्ठक बंद बराबर 99। इसी तरह प्रथम वर्ग की उच्च सीमा बराबर कोष्ठक 104 धन 10 बटा 2 कोष्ठक बंद बराबर 109। इसी प्रकार अन्य वर्ग की वर्ग सीमाएं निम्नानुसार होंगी। वर्ग अंतराल 99 से 109, 109 से 119, 119 से 129, 129 से 139, 139 से 149, 149 से 159, 159 से 169। ये हमारा हल होगा। आंकड़ों का आलेखी निरूपण। एक कहावत है कि एक चित्र हजार शब्दों से भी उत्तम होता है। प्रायः अलग अलग आंकड़ों की तुलनाओं को आलेख की सहायता से अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। यहाँ हम निम्नलिखित आलेखी निरूपण करेंगे। पहला, आयत चित्र हिस्टोग्राम। दूसरा, आवृत्ति बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। तीसरा, संचयी आवृत्ति वक्र तोरण क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव। आयत चित्र हिस्टोग्राम। आवृत्ति वितरण के आलेखी निरूपण की यह सरल एवं उत्तम विधि है। इसे बनाते समय वर्ग अंतराल स्वतंत्र चर को एक्स अक्ष एवं आवृत्तियों आश्रित चर को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। इस विधि में प्रत्येक वर्ग अंतराल के ऊपर आवृत्तियों के बराबर ऊंचाई का आयत बनाते हैं, अतः आयतों की एक श्रृंखला सी दिखाई देती है। इन आयतों के क्षेत्रफल उनकी संगत बारंबारताओं की समानुपाती होते हैं। उदाहरण पांच, किसी कक्षा के 16 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार हैं। प्राप्तांक, विद्यार्थियों की संख्या, आवृत्ति। 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है और 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है और 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है। इन आंकड़ों के लिए एक आयत चित्र खींचिए। हल, हम आयत चित्र खींचने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करते हैं। चरण एक, एक आलेख कागज ग्राफ पेपर पर दो लंबिक रेखाएं खींचिए तथा उन्हें एक्स अक्ष और वाई अक्ष निरूपित कीजिए। चरण दो, क्षैतिज अक्ष के अनुदिश हम वर्ग प्राप्तांक को प्रदर्शित करेंगे। यहां हमने 1 सेंटीमीटर में एक वर्ग को दिखाया है। चरण तीन, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बारंबारताओं विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित करेंगे। इसके लिए उपयुक्त स्केल
यहाँ एक विद्यार्थी बराबर 1 सेंटीमीटर लिया है। यह अभीष्ट आयत चित्र है।